आज 14 अगस्त और कल 15 अगस्त पूरा समूचा हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन आज़ादी का पर्व ये कैसा है उसकी एक तस्वीर आज मैं आपको अजमेर के रेलवे स्टेशन से दिखाने वाला हूँ। 70 साल हो गए देश में, लेकिन 70 साल के बावजूद भी यहाँ पर हिंदुस्तान में काम करने वाले लोगों को संपूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिल पाई। आज़ादी ऐसी कि घर परिवार चलाने के लिए जितना मेहनताना मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं रहा है। किसी को 6-7-8 हज़ार रुपये की मजदूरी करनी पड़ रही है, लेकिन वो मजदूरी भी टाइम पर नहीं आ रही है। और 14 अगस्त के दिन आज मैं आपको अजमेर रेलवे स्टेशन लेकर आया हूँ, जहाँ सफाई कर्मचारी पिछले 24 घंटे से हड़ताल पर हैं, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। रक्षाबंधन का पर्व है, त्यौहार का सीजन चल रहा है और स्वतंत्रता दिवस का दिन आ रहा है, लेकिन इनकी आवाज़ को कौन सुनेगा? सरकार तक इनकी आवाज़ को पहुँचाने के लिए आज MPTV इंडिया इन सफाई कर्मचारियों के पास आया है, जिनकी आवाज़ ना तो रेल प्रशासन ने सुनी है, ना ही उस कंपनी ने जिसके अंतर्गत ये काम करते हैं। तो मैं आपको सीधे सफाई कर्मचारियों के बीच लेकर चल रहा हूँ और उनसे जानेंगे आखिर क्या दिक्कत है और कितने महीने हो चुके हैं, सफाई व्यवस्था ठप क्यों पड़ी हुई है, मजदूरी टाइम पर क्यों नहीं मिल रही है, और जो मजदूरी जो वेतन इनको मिल रहा है क्या वो पूरा है, इसका फैसला भी आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप यहाँ क्या काम करते हैं? मेरा नाम विजय गोयल है, मैं यहाँ सफाई सुपरवाइजर हूँ अजमेर रेलवे स्टेशन पे पिछले 3 साल से। मुझे एक बात बताइए, पिछले 24 घंटे से आप तमाम लोग धरने पर हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं, स्टेशन की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, क्या कारण है कि आप लोगों को विरोध का रास्ता चुनना पड़ा? पिछले 9 महीने से हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन पर सफाई ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे हैं। हम लोग अस्थायी कर्मचारी हैं, सफाई ठेकेदार द्वारा हमें रखा गया, लेकिन पिछले 9 महीने से नवंबर से ही ना हमारे को PF ESIC मिल रहा है, हमारे को तनख्वाह 8,700 रुपये मिलती है, उसमें से भी हमें 2,000 रुपये PF और ESIC के नाम पे हमें हमसे ले लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं हमारी सैलरी में से, उसका अभी तक कोई हिसाब नहीं आया। 6,700 रुपये हमारे को तनख्वाह मिलती है, वो भी समय पर पूरी नहीं मिल पाती है। समय पर पूरी तनख्वाह आपको नहीं मिल रही है, इसलिए आप लोगों को इस रास्ते पर चुनना पड़ा। क्या कंपनी के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? उन्होंने क्या कहा आपको आपकी तनख्वाह के लिए, मजदूरी के लिए, आप बताएंगे? आप लोगों को जो समय पर तनख्वाह नहीं मिली, क्या कंपनी के कोई लोग आपके पास आए हैं बातचीत करने के लिए? कभी कोई आता तो उनको फ़ोन करते तो कभी उठाते नहीं है वो फ़ोन, कभी कोई सुनवाई भी नहीं होती हमारी, तो कभी कोई टाइम से पेमेंट नहीं होता। अच्छा, उनको भी टाइम से पेमेंट नहीं हो रहा है? नहीं, हमारे को सबको अवगत करा रखा है, जितने भी रेल प्रशासन के अधिकारी है उन सबको अवगत है कि हर महीने का इस तरीके से ही होता है। अब रक्षाबंधन का त्यौहार है, यहाँ सब जितने भी गरीब लोग हैं सब गरीब लोग ही काम कर रहे हैं यहाँ पर, इनके मतलब इनके अलावा ये और कोई काम नहीं करते जहाँ से इनकी आमदनी होवे। तो ये 6,700 रुपये जो तनख्वाह मिलती है इनको, ये भी इनको टाइम पर नहीं मिल पा रही है, तो ये अपना त्यौहार कैसे बनाएंगे बताइए? कल त्यौहार का दिन है, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, हम हमारे को बिल्कुल आज़ादी नहीं मिल पा रही है बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, राजस्थान के अंदर न्यूनतम मजदूरी दर आपको जो मेहनताना मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को तो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। बिल्कुल जी, अजमेर रेलवे स्टेशन पर मिनिमम वेजेस लगभग 400 रुपये से ऊपर, लगभग 400-466 रुपये है, लेकिन वो भी हमारे को नहीं मिल पा रही है। सुपरवाइजरों को तो फिर भी 13,000 रुपये मिलते हैं, 15,000 रुपये में तय किया था, 13,000 रुपये दे रहे हैं, और सफाई कर्मचारी को 8,700 रुपये मिलने चाहिए, वो 2,000 PF ESIC के नाम पे काट रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, हम लोग पासबुक, इन्होंने हमारी पासबुक जनरेट नहीं की, ऑनलाइन जब हम लोग पोर्टल पे देखते हैं तो पासबुक जनरेट नहीं हो पाती है। यानी कि PF में भी कहीं ना कहीं गालमेल कुछ चल रही है, धोखाधड़ी चल रही है। मैं कुछ सफाई कर्मचारी जो महिलाएँ हैं उनसे बातचीत में आपका कर लेता हूँ। मुझे बताइए आपका क्या नाम है और कितने बच्चे हैं आपके? मेरा नाम सुमन है और मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, जो मजदूरी आपको मिलती है इस मजदूरी में क्या अपना घर चला लेते हैं आज की तारीख में आप? नहीं, हमारे साथ चलता नहीं, लेकिन करना पड़ता, मजबूरी है हमारी। मजबूरी है। PF भी कंपनी नहीं काट रही है, और पैसे कितने समय हो गए, कितने समय से आप लोगों को आपका मेहनताना नहीं मिल रहा है? हमको 9 महीने हो गए हैं काम करते हुए यहाँ पे, और हमारे को पेमेंट तो टाइम पे मिल ही नहीं रहा है, कभी 2 महीने मिलता है, कभी 2.5 महीने मिलता है, वो भी पूरा जब भी हमको हड़ताल करते हैं तभी ही मिल रहा है, खुद की मर्जी से तो वो दे ही नहीं रहा कंपनी वाला पैसे, और हमारे को कभी इनसे उधार लेना पड़ता है, उनसे लेना पड़ता है, ऐसे हमारा घर का चल रहा है, लेकिन ठेकेदार की वजह से तो हमारे घर का मतलब वो
खराब चल ही रहा। और ये कितने समय तक आपको यहाँ पे सफाई करनी पड़ती है? हमको सुबह 6 से लेकर 2:30 बजे तक करना पड़ता है यहाँ पे। 6 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इनको यहाँ पर काम करना पड़ता है। एक आई कार्ड लगा हुआ था किसी के गले में, ये मैं आपको बताता हूँ, कंपनी का जो नाम है वो GS&IS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। मोदी सरकार जब से आई है तब से हिंदुस्तान के तमाम रेलवे स्टेशन का ठेके पे जाने की प्रथा हो गई है, कई कामों को सफाई ठेका भी चला गया। ये कंपनी कलकत्ता की कंपनी है। सबसे बड़ी बात है इनका जो सफाई का जो एरिया है वो बहुत लंबा चौड़ा है। आपका एरिया मुझे टोटल बताइए, कितने किलोमीटर तक का एरिया रहता है और कौन कौन से एरिया हैं जिसकी सफाई की जिम्मेदारी आपके जिम्मे है? जी, सफाई कर्मचारी के अंतर्गत, ठेकेदारी के अंतर्गत पूरा होल स्टेशन प्रीमियस एरिया है और रेलवे ब्यावर रोड लाल फाटक से लेके DRM ऑफिस तक की जो भी ट्रैक है, जितने भी ट्रैक है उनकी रेक पैकिंग का, उनकी रखरखाव का, सफाई से संबंधित रखरखाव का जिम्मा हमारा है, सफाई ठेकेदार। और ये स्टेशन परिसर का इंडोर और आउटडोर दोनों सर, सर्कुलेटिंग एरिया है, जो भी बाहर का सेकेंड एंट्री वगैरह जो भी बनी हुई है वो सब हमारे अंडर के अंदर ही आता है, सारे वेटिंग हॉल्स। कई बार हमने एक चीज़ देखी कि रेल की कुछ टीम यहाँ पर दौरे करने के लिए आती है, क्या उन टीम को कभी आपने शिकायत की अपने ठेकेदार के लिए कि हमें पैसा, मजदूरी जो है हमारा मेहनताना है वो हमें समय पर नहीं मिल रहा है? शिकायत तो हमने कभी नहीं की, सिर्फ इसी ठेके में सबसे ज़्यादा परेशानी है। हर हमने लगभग 6 महीने से ये लोग हर महीने 2-2 महीने की तनख्वाह देते हैं, 1.5-2 महीने की तनख्वाह हमें देते हैं। अच्छा। हाँ, इनको तो सिर्फ सफाई से मतलब है और किसी नहीं। जिस दिन इंस्पेक्शन होता है ये लोग वर्दी पहना के सफाई बहुत अच्छी करवा देते हैं हमसे, सफाई उसके बाद ये भूल जाते हैं हमारे को। कब से ये कंपनी अजमेर का स्टेशन का जिम्मा इस कंपनी के पास कब से? 6 नवंबर 2018 से। 6 नवंबर 2018 से इस कंपनी के पास जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ जिन सफाई कर्मचारियों के मेहनताना की जिम्मेदारी इस कंपनी के पास थी उसकी पूर्ति फिलहाल कंपनी ने नहीं की है। MPTV इंडिया ये कोशिश करेगा कि रेल मंत्रालय तक इन सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को पहुंचा सके और इनको न्याय दिला सके। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।